56 भी करके देख लेते हैं, शायद उसमें कुछ काम का नजर आए। अगर मुझे कुछ ज्यादा इंजीनियरिंग वाली फिजिक्स वाली टेक्निकलिटीज आई तो मैं स्किप कर दूंगी, क्वेश्चन स्किप कर दूंगी, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आता है मैं करती हूँ कोशिश करने की। तो कार्ला की हेल्थ की बात होती है, फिर डॉन कहता है कि ठीक है अब तो फिर मैं ये पूछ लेता हूँ कि ये पिरामिड काम कैसे करता है, बनाया जाता है नहीं पूछ रहा, वो काम कैसे करता है पूछ रहा है। तो रा कहते हैं कि हम ये समझ रहे हैं कि आप जानना चाहते हो कि पिरामिड जो गीजा का बना हुआ है उसके कोने, उसके एंगल, उसकी उसका आकार, और वो क्यों बनाया गया, कैसे मतलब किस कैसे नहीं मतलब क्यों बनाया गया और वो कैसे काम करता है, ये जानना चाह रहे हो। तो असल में पिरामिड शेप काम नहीं करता। वाओ, इट इज नॉट वर्क, इट इज एन अरेंजमेंट फॉर द सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज द डिफ्रैक्शन ऑफ द स्पाइरलिंग अपवर्ड लाइट एनर्जी एज इट इज बीइंग यूज्ड बाय द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि यूं समझ लो कि हम घड़े में पानी भरते हैं और घड़े में नहीं, किसी बहुत बड़े बर्तन में पानी भरते हैं, उसके अंदर नीचे फाउंटेन बना देते हैं। तो पहले तो उस बर्तन में उस फाउंटेन के चलने के लिए आपको पानी जमा करना पड़ेगा, और फिर जब वो फाउंटेन चलेगा तो वो पानी को उठा के वो ऊपर करेगा और ऊपर फैलाएगा। इसी तरीके से पिरामिड हो, डोम हो, तेपी हो, साइलो हो, ये सारी चीजें पहले एनर्जी को इकट्ठा करती हैं और फिर उसे स्पाइरल की तरह ऊपर की ओर फेंकती हैं। अगर ऐसा है तो फिर पिरामिड के कोने परफेक्ट हो इसकी क्या जरूरत है, मुझे नहीं समझ में आया, पर ठीक है आगे पढ़ते हैं देखते हैं क्या कहता है। तो वो कहता है कि पिरामिड करता कुछ भी नहीं है, बस इतना करता है कि वो ऊर्जा को इकट्ठा करके और उसे गोल 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 घूमता हुआ एक ऊपर की ओर उसके चोटी की ओर लेकर जाता है। जब जैसे कि एक इंसान की ऊर्जा कुंडलिनी से की तरह नीचे से ऊपर चलती है, तो कुंडलिनी में भी वो गोल गोल ही घूमती है, वो सीधी नहीं जाती, क्योंकि आपके दो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं वो आपस में रेजोनेट बलून की तरह या रेजोनेट ट्यूनिंग की तरह ऊपर जाते हैं, जैसे एक गोल सीढ़ी होती है उस तरह। तो स्पाइरलिंग नेचर ऑफ लाइट इज सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर अफेक्टेड बाय द स्पाइरलिंग एनर्जी। जब रोशनी गोल घूमती हुई ऊपर जाती है, मैं दिखाती हूँ गोल घूमती हुई यानी क्या, गोल घूमती, ये जब रोशनी गोल घूमती हुई ऊपर की ओर जाती है, यूं समझ लो इस तरह से देखने में शायद ऐसा लगे, घूमती शायद ऐसा है। तो जब ये ऊपर को घूमती है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इंसान का, उस घूमती हुई ऊर्जा से, उस घूमती हुई ऊर्जा का असर होता है इंसान के मैग्नेटिक फील्ड पे, मतलब चुंबकीय क्षेत्र पे। सर्टेन शेप्स ऑफर एन इको चेम्बर शैल वी से और एन इंटेंसिफाई ऑफ स्पाइरलिंग प्राणा। कुछ जगह ऐसी होती हैं अगर आपको याद हो जहां पे जब आप आवाज देते हो ना जोर से तो वो गूंज के आपके पास आती है। अभी जहां मैं लखनऊ में गई थी, भूल भुलैया में कुछ ऐसी गलियां हैं जहां आधा किलोमीटर, नहीं आधा किलोमीटर ज्यादा हो गया, शायद 200 300 मीटर दूर अगर आप खुद को फुसफुसाओगे, जैसे बिल्कुल जैसे कान में बोलते हैं ना फुसफुसाते हैं,
ऐसा करोगे तो 200-300 मीटर दूर जो इंसान खड़ा होगा उसे वो आवाज साफ सुनाई देगी, और वो वहां से फुसफुसाएगा तो यहाँ सुनाई देगी। इस तरह से होती है एनर्जी किसी भी तरह की, अगर स्ट्रक्चर सही हो, वो खास करके इस वजह से बनाए गए हैं। तो इसी तरह से वो कहता है कि इंसान की ऊर्जा के ऊपर ये स्पाइरलिंग गोल गोल घूमती हुई रोशनी की ऊर्जा काम करती है, और उनके इंसान के चुंबकीय क्षेत्र पे और कुछ शेप ऐसे होते हैं जहां पे वो ऊर्जा एको करती है, मतलब जैसे गूंजती है या बढ़ जाती है, इंटेंसिफाई ऑफ स्पाइरलिंग प्राणा, मतलब के जो वो गोल घूमती हुई ऊर्जा या रोशनी है उसे इतना घनिष्ठ नहीं, तेज कर देती है या इतना ज्यादा असरदार कर देती है कि लोगों को लगता है कि यही क्रिएटर। सम हैव कॉल्ड दिस ऑल प्रेजेंट प्राइमल डिस्टॉर्शन ऑफ द वन इन्फिनिट क्रिएटर। अच्छा, ऑफ द वन इन्फिनिट क्रिएटर नहीं, ईश्वर नहीं है, मतलब कुछ लोगों को लगता है कि ये ऊर्जा ईश्वर की है। इफ द इंटेंट, मैंने सही पढ़ा ना, शर्वी से, और एन इंटेंसिफायर ऑफ अ स्पाइरलिंग प्राणा एज सम हैव कॉल्ड दिस प्रेजेंट प्राइमल डिस्टॉर्शन। हाँ, जैसे कि लोग कहते हैं कि, अच्छा प्राण की बात कर रहा है कि जैसे कुछ लोग ईश्वर की ऊर्जा को प्राण कहते हैं, तो रा भी वही शब्द इस्तेमाल कर रहा है सनातन धर्म वाला। इफ द इंटेंट इज टू इंटेंसिफाई द नेसेसिटी, इंटेंट इज टू इंटेंसिफाई द नेसेसिटी फॉर द एंटिटीज ओन विल टू कॉल फॉर द इनर लाइट इन ऑर्डर टू मैच द इंटेंसिफिकेशन ऑफ द स्पाइरलिंग लाइट एनर्जी। द एंटिटी विल बी प्लेस्ड इन व्हाट यू हैव कॉल्ड द बीच चेंबर पोजीशन इन दिस पर्टिकुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट। दिस इज द इनिशिएटरी प्लेस एंड इज द प्लेस ऑफ रेजरेक्शन। रेजरेक्शन मतलब मरने के बाद जिंदा होना। तो जैसे जीसस को बोला जाता है कि 3 दिन के बाद वो जिंदा हो गए थे। तो अगर किसी इंसान की धारणा ये है कि किसी दूसरे या अपनी या किसी और की अंदर की रोशनी, जो बुद्धिमानता या रोशनी है या चेतना है, उसको ईश्वर की रोशनी के साथ, नहीं, सॉरी, ईश्वर की नहीं, उस गोल घूमती हुई रोशनी के साथ मैच करना है, तो उस इंसान को रानी के कमरे में लिटाया जाएगा या बिठाया जाएगा जहां पे शुरुआत होती है। इनिशिएशन मतलब शुरुआत भी होता है, और इनिशिएशन मतलब किसी को किसी चीज के लिए तैयार कर देना, तैयारी हो जाती है ना, जैसे एग्जाम के लिए आप तैयारी करते हो, तो वो पूरा साल करने के बाद जब आप फॉर्म भरते हो कि मैं एग्जाम में बैठ रहा हूं और आपको परमिशन मिलती है, मैं सिर्फ एक रफ एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो समझ लो कि वो इनिशिएशन है। जैसे मैंने समझाया था रेकी, थीटा, हीलिंग मोडालिटीज के लिए, क्रिस्टल्स के लिए इनिशिएशन होता है। तो ये जो जगह है ये उसकी शुरुआत करने की और उसके क्राउन चक्र को एनर्जाइज करने की, इनिशिएशन मतलब हीलिंग में क्राउन चक्र को एनर्जाइज करना भी बोलते हैं, और जहां मुर्दों को भी जिंदा किया जा सकता है। शायद इसीलिए राजा महाराजाओं ने सोचा कि अपने मरे हुए राजा रानियों को पिरामिड में गाड़ दें। हो सकता है उनको इस बात का पता चल गया हो, इसलिए उन्होंने ये किया हो, लेकिन क्योंकि उनका इंटेंशन गलत था कि वो लोगों पे राज करें, हो सकता है इसलिए वो हुआ नहीं, पता नहीं, आगे देखते हैं। द ऑफसेट प्लेस रिप्रेजेंटिंग द स्पाइरल एज इट इज इन मोशन।
Okay, so the offset place representing the spiral as it is in motion is the appropriate position for one to be healed. As in this position, the entity's vibratory magnetic nexi, phir aa gaya nexi, are interrupted in their normal flux. Thus, a possibility probability vortex ensues, a new beginning, shall we say. So, रानी का जो कमरा है वो शायद चोटी के बिल्कुल नीचे नहीं होगा, थोड़ा सा हटके होगा, और राजा का कमरा शायद हो सकता है उसके नीचे हो, देखते हैं आगे. तो वो कहता है कि ऑफसेट प्लेस मतलब थोड़ा सा जो हटके है, जहां पे ये गोल घूमने वाली ऊर्जा शुरू होती है या उस तरह से बनी हुई है, ये इंसान को ठीक करने के लिए सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पर इंसान की जो कंपनता या चुंबकीय कंपनता को जहां पे परेशानी आ रही है, मतलब उसके फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरे जो चक्र हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज है, तो उन ब्लॉकेजेस के हिसाब से मेरी एक अपनी कंपनता होगी या ऊर्जा होगी, उसको अपनी जगह पर रोक के तोड़ के उसे सही जगह पर लाना, उसके लिए कोई भी चीज अगर ठीक करनी है या बनानी है तो उसे पहले तोड़ना नहीं पड़ता, लेकिन उसे थोड़ा सा मरोड़ना तरोड़ना पड़ता है या सही करना पड़ता है ताकि वो सही दिशा में आए. तो एक जब वो उस ऊर्जा को वहां से निकाल के वहां पर एक खालीपन बनता है, खला बनती है, पूरी तरह से नहीं पर जो खला बनती है, वहां से एक नई शुरुआत होती है जहां पे एंटिटी को इंसान को एक कम विभाजित या जहां पे वो इंसान चुन सकता है कि उसे उसकी जो कंपनता है वो कमजोर ना हो, उसमें ब्लॉकेजेस ना हो, या पहले जैसी थी उतनी ज्यादा विभाजित ना हो, और उस हिसाब से अपने ब्लॉक्ड और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनर्जी सेंटर मैग्नेटिक डिस्टॉर्शंस, चूज अ लेस डिस्टॉर्टेड पीक और ब्लॉक्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनर्जी सेंटर मैग्नेटिक. तो उसके चक्रों की चुंबकीय ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए. द फंक्शन ऑफ द हीलर एंड क्रिस्टल में नॉट बी ओवर एम्फेसाइज, बट दिस पावर ऑफ इंटरप्शन में नीड्स टू बी कंट्रोल्ड, शैल वी से विद इनकार्नेट इंटेलिजेंस. वो कहता है कि क्रिस्टल और जो हीलर है उनकी बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये जो कंपनता या ऊर्जा जो कुंडलिनी शक्ति है या जो भी है, उसको जब हम सही करने की कोशिश करते हैं तो किसी कोई इंसान जो दूसरी घनिष्ठता से यहाँ पर पुनर्जन्म लेकर आया है और हीलर है, उनका होना जरूरी है ताकि वो उसे संतुलित और कंट्रोल कर सके, उनकी बुद्धि ऊर्जा की बुद्धिमानता को. द इंटेलिजेंस बीइंग दैट ऑफ वन विच रिकग्नाइजेस एनर्जी पैटर्न्स, ताकि वो उनकी बुद्धिमानता जो हीलर है वो इस ऊर्जा के आकारों को समझे और उन्हें जज किए बिना, उनके बारे में अच्छा बुरा सोचे बिना, उन ब्लॉकेजेस को, कमजोरियों को समझ के उसे सही करे. जैसे कहते हैं ना कि कुंडलिनी हमेशा, आज सुबह ही मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहा था, कुंडलिनी हमेशा एक गुरु की नेतृत्व में कुंडलिनी खोलने की वो करनी चाहिए. वही कह रहा है ये बेसिकली. And which is capable of visualizing through the regularity of self and of crystal the less distorted other self to be healed. और वो अपनी बुद्धिमानता, अपनी ऊर्जा और क्रिस्टल की ऊर्जा से देख सके
के कौन आया? अरे बाप रे, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे। ओके ऑलराइट, सो वो उससे अपनी उसकी इंट्यूटिव शक्ति से देख सके कि ऊर्जा कितनी सही जा रही है या सही जगह पर जा रही है, और जो चक्र हैं वो सही तरीके से ठीक हो रहे हैं, हील हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जो दूसरे आकार हैं, मतलब के आर्च्ड, मतलब के आधा गोल जो होता है ना, मंदिरों के, मस्जिदों के दरवाजे ऊपर से गोलाई में बने होते हैं, उसको आर्च्ड बोलते हैं, ग्रॉइंड वॉल्टेड कोनिकल। और एज योर टेपीज आर ऑल्सो शेप्स, वो जो कल सेशन में शायद हमने ये सारे शेप्स डिस्कस किए थे, आइसक्रीम कोन की तरह, या वो मैक्सिकन लोगों के जो टेंट होते थे पिरामिड जैसे, वो ये सारी चीजें आर ऑल्सो शेप्स। ग्रॉइंट क्या होता है पता नहीं, मैं ग्रॉइंट देखूं, ग्रॉइंट, ग्रॉइंट शेप, ओ माय गॉड, इसीलिए ऐसा है। खजुराहो, झांसी, ओरछा, लखनऊ, जहां के भी मैंने मंदिर, महल और जितने भी देखे, मैंने फोटोग्राफ भी ली थी, और मैं सोच रही थी कि इन सबके छत ऐसे क्यों बनी हुई है। अच्छा, इसलिए बनी है। अच्छा, ये इस तरह से नहीं बनी है। पता नहीं, मेरे मेरे लैपटॉप पे शायद फोटोग्राफ्स नहीं है, लेकिन इस तरह से सारे पैसेजेस और वो सब बने हुए थे। ओके ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। मैं सोच रही थी ऐसे क्यों बने हैं। ठीक है, तो ग्रॉइंड के साथ एक और शब्द बोला था उसने, वॉल्टेड। वॉल्टेड, वॉल्टेड मेरे ख्याल से बंद होगा, पूरा डिब्बे की तरह बंद। हाँ, ये ऐसे बने हुए थे, कुछ ऐसे थे और कुछ ऐसे थे, ये है ना, ये वाला सेगमेंटल, ऐसे एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से बने हुए थे। अच्छा, बहुत सारे ऐसे बने हुए थे। ये देखो, वॉल्ट आर्किटेक्चर, सारे चर्च और मस्जिद सब ऐसे ही तो बने होते हैं, इसलिए बनाते हैं वो लोग ऐसा। और बहुत सारी छतें कोनिकल थी, के इस तरह की भी थी। हाँ, ये था जो मैं जिसकी बात कर रही थी। एक दो, जैसे एक दो तीन, जितने मैंने देखे वो सब ऐसे बने हुए थे। नाउ आई अंडरस्टैंड। ओके, तो इस तरह के जो शेप्स होते हैं, इनसे भी स्पाइरलिंग लाइट जो है, गोल घूमती हुई रोशनी की ऊर्जा जो है वो बहुत तीव्र हो जाती है। आपके जो गुफाएं हैं वो भी गोल हैं, वहां पर भी जो रोशनी की गोल घूमती हुई ऊर्जा है उसकी पावर बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसीलिए कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे कि शेर और वुल्व्स, ये आमतौर पे गुफाओं में ही रहते हैं। हो सकता है वहां पे वो ऊर्जा उन्हें वो ताकत देती हो। ठीक है, इट इज टू बी नोटेड दैट दीज शेप्स आर डेंजरस। वी आर ओ, ये ध्यान रखो कि पिरामिड से लेके यहां तक जितने शेप्स की बात कर रहे हो वो काफी डेंजरस हैं। वी आर क्वाइट प्लीज टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू एनलार्ज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ शेप्स सच एज द पिरामिड, फॉर वी विश एज पार्ट ऑफ आवर ऑनर ड्यूटी टू स्टेट दैट देयर आर मेनी रॉन्ग यूजेस फॉर दीज कर्व शेप्स। इन आकारों की मदद से हमारा फर्ज बनता है तुम्हें बताना कि बहुत सारे लोग बहुत गलत काम भी करते हैं। अच्छा, इसीलिए पा ने बोला कि ये सेशन नहीं करना। अच्छा, ओके,
क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये गलत हाथों में लगे। तो मैं इसे YouTube पे डालूंगी, लेकिन पब्लिक के लिए नहीं डालूंगी, सिर्फ हमारे मेंबर्स के लिए डालूंगी, वो भी सिर्फ कोर ग्रुप के मेंबर्स के लिए। फॉर विथ इम्प्रॉपर प्लेसमेंट, इम्प्रॉपर इंटेंशंस और लैक ऑफ द क्रिस्टलाइज बीइंग फंक्शनिंग एज चैनल फॉर हीलिंग, द सेंसिटिव एंटिटी मे बी डिस्टॉर्टेड मोर रादर देन लेस इन सम केसेस। तो वो कह रहे हैं कि इन शेप्स की मदद से अगर ये सही तरीके से नहीं किया गया तो जो इंसान है, जो इनफैक्ट सही है, उसको बिगाड़ा जा सकता है, परेशान किया जा सकता है, बेसिकली ब्लैक मैजिक भी किया जा सकता है। अच्छा, तभी ब्लैक मैजिक करने वाले सारे बाबा जो हैं गुफाओं में ज्यादा मिलते हैं, और घोरी भी। It is to be noted that your peoples build, for the most part, the cornered or square habitations. For they do not concentrate power. आपके लोग जो हैं आमतौर पे कोने वाले चौकोर बिल्डिंगें या घर बनाते हैं, क्योंकि ऐसे घरों में ऊर्जा इकट्ठी सही से नहीं होती और तीव्र नहीं होती। इट इज फर्दर टू बी नोटेड दैट स्पिरिचुअल सीकर्स फॉर मेनी ऑफ योर टाइम पीरियड्स ऑफ इयर्स सॉट राउंडेड आर्च्ड पीक्ड फॉर्म्स एज एन एक्सप्रेशन ऑफ द पावर ऑफ द क्रिएटर। और अगर आप याद करो, ध्यान दो, तो हजारों सालों से आध्यात्म के रास्ते पे चलने वाले पीर फकीर या वो लोग जो ईश्वर की खोज में निकले हैं, आमतौर पे गुफाओं में या गोल गुंबड़ वाली जगह या पिरामिड जैसी जगह, इस तरह के, मतलब जैसे बेसिकली वो कह रहा है कि हमारे मंदिर मस्जिद वगैरह जो हैं, गिरजाघर, चर्चेस, उन सबके छते और दरवाजे ऐसे होते हैं। तो डॉन पूछता है कि पूरी एफिशिएंसी के लिए, मतलब पूरी तरह से अच्छी तरह से ये काम करे, उसके लिए क्या चोटी का कोई पर्टिकुलर एंगल होना जरूरी है? तो रा कहता है, इस कार्ला की एनर्जी को संभालने के लिए, आई एम अज्यूमिंग दैट यू इंटेंड टू इंडिकेट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंगल ऑफ एपेक्स फॉर हीलिंग वर्क। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये इसलिए समझना चाह रहे हो ताकि आप कार्ला की एनर्जी को बचा सको या उसे हील कर सको, और सही तरीके से हीलिंग कर सको उसकी, ताकि आपको सही चोटी का एंगल डिग्री आपको पता चले। इफ द शेप इज सच दैट इट इज लार्ज इनफ टू कंटेन एन इंडिविजुअल एट द अप्रोप्रिएट ऑफसेट पोजिशन विद इन इट, द 76 डिग्री 18.18 or whatever it is, 18 feet, अच्छा, approximate angle is useful and appropriate. तो अगर ये शेप इतना बड़ा है, जो भी आप बनाने वाले हैं वो एक इंसान को अंदर रखने के लिए बहुत है, तो वैशाली आपका कैमरा ऑन है, कैमरा ऑफ करो वैशाली। बिस्तर में घुस के चद्दर में, मतलब नींद में देख रही है किसी से छुप करके सुन रही है। अच्छा, तो उसने ये बताया कि ये वाली 76 डिग्री और 18 फुट ही समझ में आ रहा है जो ये लिखा है, आमतौर पे ऐसा एंगल सही रहेगा। अगर ये पोजीशन या एंगल कुछ अलग हुई इससे, अगर पोजीशन अलग हुई तो एंगल भी बदल जाएगा। आगे, अगर जो हीलर है उसको ये सब विभाजन समझ में आते हैं, और उनमें विभाजन में विभाजन समझ में आते हैं, उनको अलग अलग तरीके से देखना और समझना आता है, the position within any pyramid shape may be moved about until results are affected.
the position within any pyramid shape, तो पिरामिड के बीच पोजीशन को बदला जा सकता है जब तक के आपको जो चाहिए वो मिल नहीं जाता, मतलब जो ऊर्जा जिस तरह की चाहिए। अब मैं सोच रही हूँ कि ये जो बात कर रहा है इतना बड़ा, वो जो 58 सेशन में मैंने अभी जो YouTube पे डाला, 58 सेशन में हमने देखा कि तांबे के या प्लास्टिक के रॉड के पिरामिड शेप बना के, बिना टेंट टाइप या टेंट टाइप अगर बनाना हो तो उसके नीचे बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हो। फिर उसने ये भी, हमने ये भी समझा कि हम लोगों को ये इसलिए चाहिए, जबकि जरा ने बोल दिया कि इसकी एक्चुअली जरूरत नहीं है। तो उससे मुझे ये समझ में आया कि रोशनी का पिरामिड अगर आप अपने दिमाग में बनाते हो तो उससे भी आपको हीलिंग मिल सकती है। और अब मुझे ये समझ में आ रहा है, ओके वेट, आई विल टेल यू व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट। पिरामिड यूज्ड फॉर हीलिंग ऑन अ फोटो। तो अगर सात रंगों के या इस तरह के पिरामिड्स मिलते हैं, अगर ये थोड़े महंगे होते हैं, किसी को अमेज़न पे भी मिलते हैं पर उनकी एक्यूरेसी का मुझे नहीं पता। ये देखो इसके अंदर वो स्पाइरल भी बना हुआ है, किसी को चाहिए हो तो मुझे बताना। फोटो के ऊपर से मेरा मतलब क्या है मैं बताती हूँ आपको, अगर इसमें कोई ऐसी फोटो हुई तो, नहीं तो मुझे कैमरा ऑन करके दिखाना पड़ेगा। पिरामिड्स ऑफ ची, ओ ये अच्छा, ये बनाए गए हैं, अभी बनाए गए हैं। ओ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, फैंटास्टिक। मैं जो सोच रही हूँ ना, अच्छा लगता है मुझे बताना पड़ेगा, मतलब जैसे एक इंसान के चक्रस, मैं बताती हूँ, जैसे एक इंसान की अपनी, छोड़ो किसी और की, छोड़ो अपनी, आप कोई भी फोटो ले लेते हो जैसे आप लेटे हुए हो, ओके, और अगर आप फोटो नहीं भी लेते, अगर आप अपना स्केच भी बनाते हो, और मैं ये सही कह रही हूँ, ये जब मैंने चक्र का कोर्स किया था तो हम लोगों को ये भी सिखाया गया था कि हम अपने चक्र कैसे बैलेंस करें। तो फॉर एग्जाम्पल आप अपना एक आउटलाइन बनाते हो, आउटलाइन बनाने के बाद ये सात रंगों के, मेरे हिसाब से तो उसके अंदर एक टर्कोइज का भी होना चाहिए, तो आठ हो गए, एक घुटनों का होना चाहिए, इसका रेड जैस्पर का, पैरों के नीचे ब्लैक टॉर्मेलिन का, सर के ऊपर जो वायलेट है उसके ऊपर या क्रिस्टल क्वार्ट्ज या रोज क्वार्ट्ज का, इस तरह के लेट के किसी को बोलो आपकी फोटो खींचे, या सॉरी अगेन आई केम टू द फोटोग्राफ, या एक आउटलाइन अपने हाथों से अपनी बनाओ पेपर के ऊपर, थोड़ा सा बड़ा पेपर लेना, बहुत छोटा मत ले लेना, और ड्राइंग पेपर होता है ना, लेके सर के ऊपर और पैरों के नीचे कम से कम 2-3 इंच, 4 इंच, 6 इंच की जगह होनी चाहिए। तो ड्राइंग पेपर नहीं, चार्ट पेपर जो है ना वो लो, जब आप ये बनाते हो उसके ऊपर अपना नाम मत लिखना, क्योंकि जब वो आप लेते हो और आप इंटेंड करते हो, मतलब आपने ये फेल पेन से बनाई, ओके सॉरी, आपने ये फेल पेन से या कलर पेन, व्हाटएवर, कलर पेन से बनाई, ओह डैम सॉरी, तो आपने ये किसी चीज से बनाई, ओके हाँ, आपने ये बनाया किसी कलर पेन से, जब आपको अपने लिए हीलिंग करनी है, और शुरुआत वहीं से करना,
इसके ऊपर अपना नाम पेंसिल से लिखना, बहुत हल्का सा इंटेंड करना अपने दोनों हाथ। एक मिनट मैं दिखाती हूँ, मुझे कैमरा ऑन करना पड़ेगा। फोटो बना के, मेरे पास फोटो पड़ी थी पर चलो समझ लो, फोटो बना के सिर्फ इमेजिन करो 30 सेकेंड्स के ऊपर से रोशनी आ रही है व्हाइट कलर की, आपके क्राउन में जा रही है, क्राउन से यहाँ 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 हार्ट पे आ रही है, हार्ट से आपके हाथों में जा रही है, और उससे उस फोटोग्राफ को थोड़ी सी एनर्जी दो और बोलो कि मैं अपनी हीलिंग करना चाहती हूँ और ये स्केच जो है, जो भी आपका नाम है उसका है। उसके बाद आप जो पिरामिड वाले क्रिस्टल्स होंगे या रेकी सिंबल्स वाले होंगे या जो भी क्रिस्टल्स आपको चाहिए, कुछ लोगों ने ये वाले एनग्रेविंग वाले भी मिलते हैं, और अगर आपको पिरामिड वाले चाहिए तो वो भी मिल सकते हैं, आपके 7 चक्रों पे रखेंगे। टर्कोइज कलर आपके थ्रोट और हार्ट के बीच में रखा जाएगा। घुटनों पे मेरे हिसाब से रेड जैस्पर होना चाहिए। पैरों के नीचे ब्लैक टॉर्मेलिन, सर के ऊपर रोज क्वार्ट्स, रोज क्वार्ट्स के ऊपर क्रिस्टल क्वार्ट्स, मतलब ऐसे 1 इंच की जगह छोड़ के पिरामिड्स को रखो जैसे उस पेपर के ऊपर, और रखने से पहले या रखने के बाद वैसे ही अपने हाथ से एनर्जी देते हुए आप बोलो के क्रिस्टल को के आपका मुझे हीलिंग देने के लिए शुक्रिया, ये आप बोलोगे। आई डोंट नो हाउ विल यू प्लेस। अच्छा, तो फ्लैट वाले क्रिस्टल्स जो होते हैं, जैसे अभी यहाँ पर थे, मैं बताती हूँ कहाँ गए। फ्लैट वाले जो क्रिस्टल्स थे आप पेपर के नीचे रख सकते हो, आई कहाँ गया, और अच्छा देखना पड़ेगा। ओके क्रिस्टल्स 7 चक्र, हाँ क्रिस्टल्स विद सिंबल्स। ओके सो ये जो फ्लैट वाले हैं बहुत ही छोटे और पतले, आप पेपर के नीचे रख सकते हो ऐसे वाले, और जो पिरामिड वाले थे ऐसे वाले जो 7 चक्र कलर के, आई हो जैसे ये हैं, ये प्लेन, ये एमेथिस्ट है, ये सिट्रीन लग रहा है मुझे, ये ग्रीन जेड है, ऐसा वाला भी लेना है तो आई मीन यू कैन ट्राई दिस, बट आई डोंट नो ये 7 चक्र पे कैसे करेंगे, क्योंकि 7 चक्रों पे अगर आप रख रहे हो तो हाँ ये कर सकते हो कि नहाते वक्त अपने सर के ऊपर उसको 30 सेकेंड्स के लिए पकड़ सकते हो और इंटेंड कर सकते हो कि ये सारे कलर्स आपके क्राउन चक्र से अंदर होते हुए आपके शरीर में जा रहे हैं। दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एंड टू मच दैट आई हैव गिवन, बट ये यूट्यूब पे पब्लिक को नहीं जा रहा तो इसलिए दैट्स आई एम फाइन विद दैट। ओके डिड आई, अच्छा तो However, we found this particular angle to be useful. लेकिन हमें ये एंगल थोड़ा सा बेहतर लगा। Other social memory complexes or portions thereof have determined different apex angles for different uses, not having to do with healing but with learning. और जो दूसरे प्लैनेट के लोग हैं, उन लोगों ने अलग-अलग एंगल पे अलग-अलग एंगल का निर्माण करके उन्हें इस्तेमाल किया है, लेकिन हीलिंग के लिए नहीं किया है, सीखने के लिए किया है। वाओ दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। व्हेन वन वर्क्स विद अ कोन और शैल वी से द साइलो टाइप ऑफ शेप, द एनर्जी फॉर हीलिंग मे बी फाउंड टू बी इन अ जनरल सर्कुलर पैटर्न यूनिक टू ईच शेप एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पर्टिकुलर हाइट एंड विड्थ, एंड इन द कोन शेप द एंगल ऑफ एपेक्स। और वाओ दिस इज इंटरेस्टिंग। सो वो कहता है कि जो साइलो शेप है, मतलब एक सिलेंडर की तरह और ऊपर जाके वो
ऐसे कल बताया था वो दूसरे सेशन में, वहां पे क्या होता है कि अगर आप वो उसके नीचे बैठते हो तो ऊर्जा गोल घूमती है और आप बहुत कुछ सीखते हो, सीखने में आसानी होती है। एनर्जी फॉर हीलिंग, सॉरी, एनर्जी हीलिंग करने के लिए साइलो शेप में गोल गोल घूमती है और हर हाइट विड्थ चौड़ाई लंबाई और शेप के हिसाब से बदलती है। जो कोन शेप होता है या टेपी जैसा एंगल जो होता है, उसका जो उसकी जो चोटी है उसका एंगल है, यहाँ पर कोई एंगल तो होते नहीं। दस दस स्पाइरल एनर्जी वर्क्स इन सर्कुलर मोशन, तो यहाँ पर भी जो ऊर्जा है वो गोल गोल घूमती है, ऐसे ऊपर चोटी की तरह नहीं जाती। तो ये सीखने में काम आता है। मेरे ख्याल से हम लोग, ये पापा ने अगर हमको पहले ये सबसे पहले ये लेसन करा दिया होता तो हम लोग सारे ऐसा ही कुछ फॉइल का या कार्ड पेपर का हैट वैट बना के सर पे रख के ये सेशन सुनते, शायद दिमाग में जल्दी घुसता। हाँ, क्या पा। फिर वो कहता है कि मैं आपसे कुछ कहने वाला हूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा। आई इंट्यूटिवली सी द स्पाइरलिंग एनर्जी ऑफ द गीजा पिरामिड बीइंग स्प्रेड आउट एज इट मूव्स थ्रू द सो कॉल्ड किंग्स चेंबर एंड देन रीफोकसिंग इन द सो कॉल्ड क्वीन चेंबर। मुझे दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है या मुझे नजर आ रहा है या मुझे महसूस हो रहा है मेरे थर्ड आई चक्र में कि गीजा पिरामिड की जो ऊर्जा है वो पहले फैलती है राजा के कमरे से और फिर इकट्ठी होके फोकस होके रानी के कमरे में जाती है। अब ये राजा का कमरा कहाँ है और रानी का कहाँ है पता नहीं, हो सकता है राजा का कमरा नीचे और रानी का ऊपर हो, क्या पता। आई एम गेसिंग दैट द स्प्रेड ऑफ एनर्जी इन द सो कॉल्ड, देख ही लेते हैं एक मिनट, क्वींस चेंबर, चेंबर इन पिरामिड ऑफ गीजा। अच्छा, ये क्वींस चेंबर है। हाँ, ये मेरे ख्याल से एक सेशन में उसने बताया था, ये क्वींस चेंबर है और ये किंग्स चेंबर है, ऐसा कुछ है। ये क्वीन चेंबर है तो किंग्स चेंबर कहाँ है? हिडन चेम्बर, ग्रैंड गैलरी, क्वींस। हाँ, आई वाज राइट। अच्छा, सो किंग्स चेम्बर ऊपर है, क्वींस चेम्बर नीचे है। ओके, ये भी सेव कर लेती हूँ। अच्छा, ये तो यूट्यूब का है, अरे पेड़ा कर। अच्छा, गार्डियन, तो वो कहता है देयर इज अ बेटर पिक्चर हियर। नो नो, दिस इज अ बेटर पिक्चर। ओके, तो वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि राजा के कमरे से होती हुई फिर रानी के कमरे पे जाती है और मैं ये सोच रहा हूं कि जो राजा के कमरे से एनर्जी फैलती है, जो हमें अलग अलग सारे लाल से लेके जामुनी तक रंग नजर आते हैं और जो एनर्जी इंसान के अंदर सेंटर होनी चाहिए, एंड द एनर्जी सेंटर्स, इंसान के जो चक्र होते हैं जिन्हें ठीक करना है, वो राजा के कमरे में जो रंगों के अलग अलग रंग और चक्र नजर आ रहे हैं, उन दोनों को मिलना चाहिए। सो कॉल्ड किंग्स चेंबर सीन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स, द स्प्रेड ऑफ एनर्जी रेड थ्रू वायलेट एंड द एनर्जी सेंटर्स ऑफ द एंटिटी टू बी हील्ड शुड बी अलाइंड विद दिस स्प्रेड ऑफ द स्पेक्ट्रम सो दैट द स्पेक्ट्रम मैचेस द वेरियस एनर्जी सेंटर्स। हाँ, तो यही कह रहा है वो कि बेसिकली राजा के कमरे से जो ऊर्जा निकल रही है उसके जो सात रंग हैं वो इंसान जिसकी हीलिंग करनी उसके चक्रों की ऊर्जा दोनों को एक दूसरे से बड़े प्यार से अलाइन करना चाहिए, मतलब सम्मिलित करना चाहिए या
हाँ हिंदी अलाइन इन हिंदी संरेखित, मैं कितनी बार देखती हूँ लेकिन भूल जाती हूँ। ओके संरेखित अलाइन होना चाहिए। तो रा कहता है कि सही है, तो डॉन कहता है कि आप ऐसा करोगे फिर, है वुड यू प्लीज डू दैट। अच्छा नहीं, तो वो कहता है कि संरेखित होना चाहिए, तो क्या मैंने जो कहा उसे आप सही करोगे कि वो सही था गलत था। तो रा कहता है कि हाँ हम इस बात को सही कर सकते हैं। तो रा कहता है कि डॉन कहता करो फ्री विल वो, तो जब तक डॉन पूछेगा नहीं रा करेगा नहीं। तो रा फिर उसको बोलता है द स्पाइरलिंग एनर्जी इज बिगिनिंग टू बी डिफ्यूज्ड एट द पॉइंट वेयर इट गोज थ्रू द किंग्स चेंबर पोजिशन। जो ऊर्जा आ रही है, मेरे ख्याल से ऊर्जा ऊपर से आ रही है, नहीं उसने कहा हाँ ऊपर से आके पिरामिड में इकट्ठी होके फिर नीचे से ऊपर जा रही होगी, ऐसा ही कुछ होगा। जो ऊर्जा आ रही है वो राजा के कमरे में जाने से पहले इज बिगिनिंग टू बी डिफ्यूज एट द पॉइंट वेर इट इज, राजा के कमरे में जाते हुए वो अलग अलग हो जाती है। जैसे एक कांच का पिरामिड हो, उससे आप सफेद रोशनी फेंकोगे, दूसरी तरफ से आपको इंद्रधनुष दिखेगा। मतलब उस सफेद रोशनी का एक-एक हिस्सा बड़ी सफाई से दिखेगा। ये तो हम लोगों ने सबने स्कूल में फिजिक्स क्लास में किया होगा, तो आई एम श्योर एवरीबडी नोज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वो जो डिफ्यूजन हो रहा है लाइट का, वो राजा के चेंबर में सफेद रोशनी अलग अलग रंगों की रोशनी में तब्दील होने लगती है। लेकिन ऑल्दो द स्पाइरल्स कंटिन्यू टू इंटरसेक्ट, वो जो दो, मैं आपको बताती हूँ, डीएनए जो होता है ना, आई हैव टू टेक दिस डीएनए इंटरसेक्शन और स्पाइरल इंटरसेक्शन, स्पाइरल एनर्जी। मैंने एक ग्रुप में एक फोटोग्राफ एक्सचेंज शेयर की थी एक बार, पता नहीं मैं देखती हूँ मेरे पास है कि नहीं। उसके अंदर बहुत प्यारी तरीके से बताया हुआ था कि कैसे गोल घूमती हुई एनर्जी चक्रों पे जाके मिलती है। वो याद है जो मैंने अर्धनारीश्वर की फोटो शेयर की थी? हाँ वो यहाँ नहीं है, वो अर्धनारीश्वर की शेयर की थी, शिव शक्ति एनर्जी, ये वाली जो फोटो शेयर की थी, इसमें आप देख रहे हो कि ऊर्जा ऊपर से एक आ रही है, फिर यहां से घूमती हुई ऐसे जा रही है, और ये वाली यहां से ऊर्जा ऐसे जा रही है। तो दोनों ऑपोजिट साइड से जाके हर चक्र पे मिल रहे हैं, इधर 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 इधर, हर चक्र पे जुड़ते हैं। अलाइन होना, संरेखित होना इसको कहते हैं। और ये रहा, यहां पर भी है। ओके ये हमारी इंगला और पीड़ा नाड़ी, इंगला और पिंगला, पिंगला और ईड़ा नादी नाड़ी, और ये जो बीच की है ये है सुषुम्ना नाड़ी। तो ये जो दोनों नाड़ियां हैं, इस तरह से स्पाइरल इसको बोलते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो वो कहता है जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब दोनों गोल घूमती हुई ऊर्जाएं जहां पर मिलती हैं, जैसे कि उस दिन किसी ने एक पोस्ट डाला था जब मैंने बताया था कि धरती जब गोल घूमती है और उसके चारों तरफ जब चंद्रमा गोल घूमता है, तो उसका नॉर्थ एंड साउथ पोल में जहां वो इंटरसेक्ट करता है इस तरह, उसको राहु केतु कहते हैं। तो मुझे श्योर नहीं था कि साउथ अर्थ का नॉर्थ साउथ है या सन मून का है, कुछ कंफ्यूजन थी। तो किसी ने एक पोस्ट डाल के वो मुझे मतलब हमें क्लैरिटी दी थी। उसी तरह से ये जो इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट जहां पे ये इंटरसेक्ट करता है,
बंद होता है, फिर खुलता है, फिर बंद होता है, फिर खुलता है, डबल स्पाइरल फैशन में, चोटी के एंगल से होता हुआ। द डिफ्यूजन और स्ट्रेंथ ऑफ द स्पाइरलिंग एनर्जीज रेड थ्रू वायलेट कलर वैल्यूज लेसन इफ वी स्पीक ऑफ स्ट्रेंथ। जब आप लाल से ऊपर जामनी रंग तक जाते हो तो इन ऊर्जाओं की ताकत कम होती जाती है। मतलब के डिफ्यूजन, जैसे उसने शुरू में वो एक सफेद रंग सात रंगों में बदल गया, तो बाद में वो सात रंगों में जो क्लैरिटी आपको दिख रही थी, वो जैसे लाल से सहस्रारा की तरफ जाएगी, उसकी क्लैरिटी कम होती जाएगी, तो उसकी ताकत कम होती जाएगी। एंड गेन्स इफ यू स्पीक ऑफ डिफ्यूजन अंटिल एट द पीक ऑफ द पिरामिड यू हैव अ वेरी वीक कलर रेजोल्यूशन यूजफुल फॉर हीलिंग पर्पसेस। करते करते जब ये ऊपर जाती है तो पिरामिड की चोटी तक जब ये पहुंचती है तो तकरीबन सफेद रंग जैसी ही हो जाती है, इतना रंग हल्के दिखने लगते हैं। ये जो रोशनी होती है या ये जो ऊर्जा होती है, ये हीलिंग के लिए इस्तेमाल होती है। सो राजा का जो कमरा है, मैं तो अभी तक सातवें पे पहुंची हूँ और पा ने अभी तक फोन नहीं किया नेक्स्ट सेशन के लिए। ठीक है, देखो उनका कोई मैसेज है। खाना खा के आपको कॉल करता हूँ। अच्छा ओके, तो अच्छा पता नहीं। तो यू में स्पाइरल फर्स्ट स्पाइरल आफ्टर द क्वींस चेम्बर पोजीशन। तो राजा के चेम्बर से, कमरे से, राजा का कमरा इसलिए चुना गया है पहली स्पाइरल के लिए, आफ्टर द सेंटर्ड बिगिनिंग थ्रू द क्वींस चेम्बर पोजीशन। तो राजा के कमरा, तो मैं सही थी, ऊपर से नीचे आती है। तो राजा के कमरे से ऊपर से नीचे आके रानी के कमरे में जाती है। यू मे विजुअलाइज, आई थिंक आई विल नीड टू सेव दिस पिक्चर। WP फाइल। यू मे विजुअलाइज द डिफ्यूजन एंगल एज द ऑपोजिट ऑफ द पिरामिड एंगल। तो जहां पे रोशनी विभाजित होती है सात रंगों में, वो पिरामिड के एंगल का उल्टा होगा, बट द एंगल बीइंग लेस वाइड देन द एपेक्स एंगल ऑफ द पिरामिड बीइंग, और पिरामिड की चोटी के एंगल से कम चौड़ा होगा, कहीं 33 या 54 के आसपास, डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस रिदम्स ऑफ द प्लैनेट इटसेल्फ। ये डिपेंड करता है कि आपकी धरती की जो कंपनता है या उसका जो सुर है, रिदम मतलब सुर बोलेंगे, वो क्या है उस वक्त। तो देन आई अज्यूम इफ आई स्टार्ट माय एंगल एट द बॉटम ऑफ द क्वीन चेम्बर एंड मेक अ 33 to 54 एंगल फ्रॉम दैट पॉइंट, सो दैट हाफ ऑफ दैट एंगल फॉल्स ऑन द साइड ऑफ द सेंटर लाइन। आई एम गोइंग टू स्किप दिस क्योंकि ये इंजीनियरिंग मेरे समझ में नहीं आने वाली। एंड इट इज करेक्ट दैट हाफ ऑफ द अपोजिट एंगल पास द, तो वो कहता है रा के, तो आ गया पापा जी। पा मुझे 10 मिनट देना। ओके, आपको ज्वाइन करना है तो कर लो, मैं दूसरा सेशन रिकॉर्ड कर रही थी दूसरा सेशन रिकॉर्ड कर रही थी। पता नहीं, मैंने लिंक शेयर नहीं किया है, जिसको नोटिफिकेशन आ गया उन्होंने ज्वाइन कर लिया। हाँ तो करो 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 करो, ठीक है। तो किंग का जो कमरा है वो पहली स्पाइरल के लिए है, आफ्टर द सेंटर्ड बिगिनिंग थ्रू द क्वींस चेम्बर, रानी के कमरे से होता हुआ, उसके बाद
किंग के चेंबर में पहला स्पाइरल, यू में विजुलाइज द डिफ्यूजन एंगल एज द ऑपोजिट ऑफ द पिरामिड एंगल. अच्छा ये तो हो गया, सॉरी. तो उसके बाद रा कहता है कि ये सही है. हाँ दे दे. रा कहता है कि ये सही है कि उसने जो ये क्वींस चेंबर किंग चेंबर 40 डिग्री 20 डिग्री जो भी एंगल बोला, तो वो कहता है कि अफॉरमेंशन एंगल, जब ये एंगल राजा के कमरे से होता हुआ जाता है, लेकिन रानी के कमरे से जाता हुआ फाउंडेशन एंगल है, ये गलत है. द एंगल विल बिगिन समवेयर बिटवीन द क्वींस चेंबर पोजिशन एंड देन अच्छा डाउनवर्ड टुवर्ड्स द लेवल ऑफ द रेजोनेटिंग चेंबर ऑफसेट फॉर द हीलिंग. इसे तो वो कहता है कि एंगल शुरू कहीं रानी के कमरे के बीच में से होता है, मतलब सेंटर पॉइंट से, और वहां से नीचे जाता है रेजोनेटिंग चेंबर में चारों तरफ हीलिंग वर्क करने के लिए. दिस वेरिएशन इज डिपेंडेंट अपॉन द मैग्नेटिक फ्लक्सेस ऑफ द चैनल ऑफ द प्लैनेट. ये आपकी धरती के जो चुंबकीय ऊर्जा है या बहाव है उस पे डिपेंड करता है कि ये क्या एंगल होगा और वगैरह वगैरह फर्क पड़ जाता है. तो द किंग्स चेंबर पोजीशन इज डिजाइन टू इंटरसेक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पाइरल ऑफ द एनर्जी फ्लो रिगार्डलेस ऑफ वेयर द एंगल बिगिंस. तो वो कहता है कि राजा का कमरा इसलिए बनाया गया है कि जो बहुत तेजी से जो रोशनी आ रही है उसको थोड़ा सा जैसे डैम बनाते हैं ना नदी का, तो उसे रोका जाता है और फिर डैम धीरे धीरे खोलते हैं ताकि पानी इतना ही जाए कि गांव में बाढ़ ना आ जाए उस और नुकसान ना दे. इसी तरह से किंग के चेंबर में ऊर्जा को रोका जाता है चाहे एंगल कुछ भी हो पिरामिड का. और उसके बाद वो जब क्वीन की चेंबर में जाता है वहां से, तो वो स्ट्रॉन्ग होता है और बिल्कुल बीच वाले पॉइंट में होता है हमेशा, एट इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट. आई विल आस्क बस ये हो गया. थैंक यू. आई ट्रे में लाना चाहिए बेटा. अच्छा तो ये हो गया आपका 56 क्वेश्चन. दैट वाज डिफिकल्ट. आई वाज राइट बट जरूरी भी नहीं था ये, एक्चुअली ये करना जरूरी नहीं था, लेकिन मैं तो सिर्फ ऊर्जा को समझने की कोशिश कर रही थी. तो मैं पब्लिक नहीं करूंगी क्योंकि यार गलत हाथों में पड़ गया तो पहले ही ब्लैक मैजिक करते फिरेंगे, लेकिन हमारे कोर ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगी. और मुझे बताना कि वो लिंक आप लोगों से खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है. ओके उत्तरी नहीं सॉरी गलत दब गया. टर्न ऑन लाइव कैप्शंस नहीं स्टॉप रिकॉर्ड.